thing about love, love, love. It'll make you do some crazy things. Crazy the thing about love, love, love. Is you know what, girl, you feel it, feel it. The thing about love, love, love. It'll make you do some crazy things. The thing about love, love, love. Yeah. You know what, girl, you feel it. फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सोनी कौर और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग मेकअप वीडियो लेकर आ रही हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक है और बट काफ़ी लोगों को अभी भी प्रॉपरली करना नहीं आता है, वो है आईलाइनर। एक बेसिक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगी आईलाइनर लगाने का। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आईलाइनर की लगाने के लिए। सबसे पहले आईलाइनर ब्रश, तो ये मैं प्रो आर्ट का यूज़ करी, ये प्रोफेशनल रेंज है ब्रशेज की। तो ये है प्रो आर्ट का प्रोफेशनल रेंज है PE30, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो ब्रश है, टिप जो है ब्रश की, बहुत ही थिन है। सो आईलाइनर के भी बहुत सारे तरीके हैं लगाने के लिए और बहुत सारी वैरायटी है मार्केट में। तो मैं आपको एक बेसिक स्टार्टिंग में आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कौन कौन से लाइनर्स हैं। जैसे केक लाइनर आते हैं, लिक्विड लाइनर है, मैट लाइनर है, जेल लाइनर है, यू नो। बट एक बिगनर के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप केक लाइनर से स्टार्ट करें, बिकॉज वो रिमूव करना आसान होता है एंड लगाने में भी आपको आसानी रहेगी और आप आसानी से निकाल भी सकेंगे। रही बात जेल और लिक्विड लाइनर की, वो भी आप लगा सकते हैं, बट आप एक बार आपका हाथ बैठ जाए कि लाइनर कैसे लगाते हैं तो उसके बाद आपको आसानी होगी, बिकॉज वो बहुत मेसी हो जाता है एंड हाथ लगता है तो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे लाइनर लगाने के लिए। तो जिसके लिए मेरे पास ये ब्लैक और ब्लू दोनों हैं, तो मैं ब्लैक से करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और इसे हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि केक लाइनर है तो हमें इसे वेट करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, केक लाइनर वेट करना है तो आप केक लाइनर को नहीं वेट करेंगे, आप अपने ब्रश को वेट करेंगे। सो मैं अपने ब्रश को, ये गुलाब जल है, उससे डिप करके वेट करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी इसको लगाने का तरीका। ब्रश को लेके हल्का सा केक लाइनर में लगाइए ऐसे, और अपनी आईज़ को क्लोज करके इसको एंड से पुल कीजिए। तो अगर लगाने की शुरुआत करनी है तो हमेशा कॉर्नर से मत लगाइए, हमेशा सेंटर से लगाइए, सेंटर से लेके बाहर की तरफ और फिर अंदर। वो मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। जैसे आईज को पुल किया, यहाँ पे आपने एक मार्क लगा लिया, और ऐसे ही लैशेस को टच करते आप बाहर तक गए और लैशेस को ही टच करते हुए अंदर की तरफ। बहुत ही हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाव नहीं लगाना। आप देखिए, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक बताया ना, इसमें हम विंग लाइनर कर रहे हैं ना ही कोई डिजाइन करे, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, जैसे आप देख सकते हैं। अगर बाहर थोड़ा निकल जाए तो आप टिश्यू की मदद से, नहीं तो नेल से आप ये एंड को पॉइंटेड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हल्का सा बाहर चला गया लाइनर, तो एक टिश्यू की मदद से हम उसे क्लीन करेंगे, और चाहे तो आप इसको और पॉइंटेड कर सकते हैं जैसे आप चाहें। सिमिलर वे हम दूसरी साइड भी लगाएंगे, सेम ब्रश, ज़्यादा वेट नहीं करना, हल्का ही। सेम चीज़ कॉर्नर को पुल करके सेंटर में मार्किंग करके पहले बाहर की तरफ और फिर अंदर लैशेस को, लैश लाइन को टच करते हुए। सिंपल और स्ट्रेट लाइन ही देखिए, मैं कुछ भी नहीं करी, सिर्फ नॉर्मल। अगर आपको लगे कि लाइट है तो दोबारा से हल्की सी कोटिंग लाइनर की लेके सेम उसी पे आप कर लें। कोशिश करें कि बाहर की तरफ ज़्यादा फैले नहीं और पतला पॉइंटेड ही रहे, जैसे आप ये देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा और बाहर ले सकते हैं। ये मैं बहुत ही बेसिक बता रही हूँ, अभी लाइनर्स भी बहुत अलग तरीके के होते हैं, ये बिगनर्स लेवल के लिए है। डिफरेंट आई शेप्स आपकी मैटर करती है, आपकी आईब्रो शेपिंग भी मैटर करती है लाइनर लगाने पर। मैं अब एकदम नॉर्मल और बेसिक आपको बता रहा है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने एकदम सिंपल और नॉर्मल स्ट्रेट लाइन लगाई है। तो शुरुआत के लिए आप ये कर सकते हैं, और थोड़ा और डार्क करना है तो और भी डार्क कर सकते हैं। केक लाइनर इसके लिए इजी होता है कि आपका हाथ बैठ जाएगा, और एक बार आपका हाथ बैठ गया तो आपको आसानी होगी।
इसी तरह आपको बताऊंगी कि और भी लाइनर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये था केक लाइनर। ये केक लाइनर जो होता है ये एक किस्म का जैसे आई शेडो का फॉर्म होता है, जो बेस होती है उसी टाइप के फॉर्म में आते हैं। दूसरे आते हैं ये मैट वाले, ये मेरे पास है फेसेस कैनेडा का, ये एकदम मैट जैसे जो आजकल विंग लाइनर्स चल रहे हैं तो उसके लिए काफी अच्छा इसकी लुक आती है, इसमें आप विंग लाइनर लगा सकते हैं, ये फेसेस कैनेडा का है। फिर मेरे पास ये जेल लाइनर है, ये ब्लैक कलर में है, ये ऐसे जेल लाइनर होते हैं। अगेन इसको भी आपको ब्रश को हल्का सा वेट करके इसको लगाना पड़ता है, सिर्फ केक लाइनर और जेल लाइनर को हल्का सा ब्रश को सिर्फ वेट करना है, सिर्फ ब्रश को वेट करना है। ये चीज आप लोगों को मैं समझा दूं कि पानी या ब्रश वेट करना है तो ब्रश को करना, कभी भी केक लाइनर जेल लाइनर पानी मत डालना, ऐसे आपके लाइनर्स खराब हो जाएंगे। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वेट करने के लिए सीधा लाइनर्स के अंदर स्प्रे मार दिया, पानी डाल दिया, उससे पूरा लाइनर खराब हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना। और लाइनर भी कई तरीके के आते हैं, जैसे कलर्ड वाले हैं, ये ब्लैक मैंने आपको दिखाया, फिर मेरे पास ये ब्लू में है, तो आप ड्रेस के अकॉर्डिंगली भी लगा सकते हैं। जैसे जिसको ब्लैक नहीं पसंद है रेगुलर के लिए और एक कलर चाहते हैं तो आप ब्राउन भी यूज कर सकते हैं, ब्राउन भी अच्छा लगता है। सो ये एक बेसिक तरीका मैंने आपको दिखाया है, तो आप ये अभी ट्राई करें और मुझे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है या इंक्वायरीज हैं लाइनर को लेकर आप प्लीज़ मुझे बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मुझे आप मैसेज करें या मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट करके आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।